पधारो 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 ठाणा नगर सा। गरज के ढोल बाजे, गरज गरज के ढोल बाजे, ताशे और मंजीरा बाजे, ताशे और मंजीरा बाजे, रोम रोम ये खुल के नाचे, ठाणा में है स्वर्ग साजे, ठाणा में है स्वर्ग साजे, जन जन में है भाव जागे, रग रग में है जोश जागे, बच्चों बूढ़ों के सबके रे आत्म है जागे, सबके रे आत्म है जागे, तो आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, अरे उत्सव है ये सदियों का पधारो ठाणा नगर सा, सर है ये शासन का पधारो ठाणा नगर सा। महारानी कमल प्रभा, आप इस वक्त यहाँ? जी मुखिया जी, लेकिन आज आज ये महारानी आपकी शरण में आई है। हम हमारी शरण में? जी सीरत राजा के चंपापुरी में सब फले फूले, उसकी महारानी कोड़ियों के समूह में शरण लेने आई है। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं, अजीत सेन ने अपने पिता तुल्य बड़े भ्राता की मृत्यु के बाद चंपापुरी में अपना साम्राज्य स्थापित करने का षड्यंत्र रचा है। क्या महाराज नहीं रहे? नहीं, महाराजा नहीं रहे, पर अजीत सेन के सिपाही हम लोगों को भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं किसी भी तरह महाराज की आखिरी निशानी राजकुमार शिपाल को बचाकर यहाँ आपकी शरण में आई हूँ मुखिया जी। नहीं महारानी, हम आपको यहाँ शरण नहीं दे सकते, ये कोड़ियों का समूह है। अगर आपको यहाँ शरण देंगे तो आप और ये बालक हमारे जैसे हो जाएंगे। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, चिंता मुझे राजकुमार के प्राणों की है मुखिया जी। अब राजकुमार श्रीपाल को अपनी शरण में लेकर उसे अभयदान दीजिए भ्राता। भ्राता, हम जैसे कोड़ियों को कोई देखना भी उचित नहीं समझता, आपने मुझे भ्राता कहके इतना ऊंचा स्थान दे दिया, बड़े उच्च स्थान पे आपने हमें बैठा दिया।
किंतु महारानी पुनः सोच विचार कर लीजिए, इस 700 कोड़ियों के समूह में आपका राजकुमार भी कोड़ी बन जाएगा और ऐसे जीवन का क्या लाभ? हम कर्म सत्ता में मानने वाले जीव हैं, परमेश्वर हमें जैसा भी जीवन देगा हमें स्वीकार्य है, किंतु मैं अजीत सेन जैसे कपटी और अधर्मी के हाथों मरने से तो कोड़ी होना ज्यादा उचित समझती हूँ। राता, इसे अपनी शरण में ले लीजिए, श्रीपाल को अपनी शरण में ले लीजिए, भ्राता ले लीजिए। आप धन्य है महारानी, आप धन्य है। मैं आपको वचन देता हूँ, आज से ये श्रीपाल का योग्य पालन पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण, यही मेरा जीवन का ध्येय है। ये कोड़ियों का समूह है, यहाँ कोड़ियों के अलावा किसी का भी आना वर्जित है। अब महारानी कमल प्रभा को यहाँ ढूंढते हुए आए हैं, हमें शंका है कि उन्होंने यहीं पे शरण ली है। शरण यहीं पे? यहाँ तो शरण भी शरण लेने से कतराती है, तो सामान्य जीव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हमें इस कबीले की तलाशी लेनी पड़ेगी। लो, जरूर लो, किंतु एक बार ये कोड़ियों के समूह में प्रवेश करने के बाद तुम भी इनके जैसे हो जाओगे। करनी है, लेनी है तलाश, लो आप अंदर जाओगे, हम जैसे हो जाओगे, जाइए। नहीं नहीं, हमें तुम जैसे नहीं होना है, चलो भागो। कोड़ियों के समूह में श्रीपाल की शिक्षा प्रशिक्षा शुरू होती है। देखते ही देखते दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगते हैं और युवा श्रीपाल कबीले के मुखिया उंबर राजा के नाम से पहचाना जाने लगता है। प्रणाम मामा। सदा सुखी रहो बेटे। बेटा उंबर, मेरे अंतिम कर्तव्यों को निभाने का समय आ गया है। कौन सा कर्तव्य? तुम्हारे विवाह का। लगता है तुम्हारे लिए सुकन्या की खोज उज्जैन में ही समाप्त होगी, तो अपने साथियों के साथ उज्जैन जाने की तैयारी करो। श्रीपाल मुखिया और साथियों के साथ उज्जैन की ओर प्रयाण करते हैं। इस तरफ उज्जैन नगरी के शासक राजा प्रजापाल अपनी राज्य सत्ता के मद में मगरूर है और एक दिन वे अपनी दोनों बेटियां सुर सुंदरी और मैना सुंदरी के साथ कर्म सत्ता और राज्य सत्ता के विषय पे प्रतिसंवाद कर रहे हैं। पिताश्री, आपके प्रारब्ध ने आपको राजगद्दी पे विराजमान किया और आपकी राज्य सत्ता ने आपको एक महान राजा बनाया। अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया वह आपने किया, अतः मेरे मतानुसार राज्य सत्ता और प्रारब्ध ही कर्म सत्ता से महान है। सुंदर, अति सुंदर, तुम्हारे ये विचार तार्किक और व्यावहारिक है। मैना सुंदरी, आपके इस विषय में क्या विचार है? पिताश्री, मेरे विचार में कर्म सत्ता ही सर्वोपरि है, क्योंकि प्रारब्ध और कर्तृत्व कर्म सत्ता अर्थात परम कृपालु परमात्मा के ही अधीन है और उनकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमने हमारी प्रजा के लिए जो कल्याण कार्य किए हैं वो हमने हमारे कर्तृत्व से किए हैं, वो हमने नहीं कर्म सत्ता ने किए हैं। हाँ।
निसंदेह आपके गत जन्मों के कर्मों के अनुसार आपके प्रारब्ध ने आपको राजा बनाया और इस जन्म के सत्कर्मों ने आपको कर्तृत्वशाली बनने का गौरव प्रदान किया है। पिताश्री, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता परंतु उससे करवाया जाता है। भगिनी, ये सारी उपदेशक बातें सामान्य मनुष्य के लिए है ताकि वे धर्म विमुख ना हो जाए। ये सारी बातें पिताश्री जैसे प्रजा वत्सल राजा के लिए नहीं है। और नहीं तो क्या? इस नगरी पे आने वाली सारी विपत्तियों से हमने हमारी प्रजा को सुरक्षित रखा है। प्रभु स्वयं प्रकट नहीं होते हैं कभी। पिताश्री, बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए स्वान को भी यही लगता है कि बैलगाड़ी वही चला रहा है। अतः मैं मैणा सुंदरी आजीवन कर्तृत्व को ही सर्वोपरि मानूंगी। मैणा सुंदरी, महल में बैठकर ये सारे तर्क लगाना बहुत आसान है। ये तुम्हारे आसपास दास दासियां भोग विलास मेरी वजह से, तुम्हारे पिता की वजह से संभव हुआ है। जी पिताश्री, और इसीलिए मैं आपकी और परमात्मा की ऋणी हूं। परंतु प्रभु कर्म सत्ता के न्याय से मुझे जैसी भी परिस्थिति में रखेंगे मुझे वो स्वीकार्य है। पुत्र मैना, महाराज की जय। महाराज की जय। बोलो मंत्री जी। महाराज, गुप्तचर ने समाचार दिए है। नगर श्रेष्ठी और सभाजनों, मैं इस सभा में आप सबका अभिवादन करता हूं। आप सबको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री मीणा सौंदरी कर्म सत्ता को सर्वोपरि मानती है। प्रायः मैं इस विचार से सहमत नहीं था, किंतु जब मुझे पता चला इस नगरी में कुछ विशेष आगंतुकों ने प्रवेश किया है तब यह कर्मसत्ता का सिद्धांत मेरी समझ में आ गया। और सिद्धांत को सन्मुख रखते हुए मैं मेरी ज्येष्ठ पुत्री मैणा सुंदरी का विवाह आगंतुकों के सरदार उमर से सुनिश्चित करता हूं। मैं राजा उमर को निवेदन करता हूं यहां आकर मेरे प्रस्ताव का स्वीकार करें। कोड़ी में महाराज ने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी रूपवती पुत्री का विवाह इससे तय कर लिया? ऐसे आदमी को अपनी पुत्री देने से अच्छा है कि उसे कुएं में धकेल दी। अरे इसे ही तो कहते कौवे के मुंह में मोतियों की माला।
त्रिमैना हमारे पास आ। देखो इस युवक को, मैंने तुम्हारा विवाह इस युवक के साथ सुनिश्चित किया है। तुम अभी भी मेरे निश्चय को बदल सकती हो। हमसे क्षमा मांगो और ये स्वीकार करो कि कर्म सत्ता राज सत्ता से बड़ी नहीं हो सकती। तुम अभी भी कर्म सत्ता को समर्थन कर रही हो। जी पिताश्री, मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक कर्मसत्ता का ही समर्थन करती रहूंगी। ये जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। पिताश्री, मैं इस विवाह का स्वीकार करती हूं। और आजीवन राजा उंबर की सेवा करूंगी, ये प्रतिज्ञा लेती हूं। और इस प्रकार मैना सुंदरी का विवाह कोढ़ी श्रीपाल से संपन्न होता है। और वह अपने स्वामी के साथ वन में बनी एक साधारण कुटीर में अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करती है। यह आपने उचित नहीं किया। केवल अपना तर्क सिद्ध करने, मुझसे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कर्मसत्ता यह केवल मेरा तर्क नहीं किंतु मेरी अटूट श्रद्धा है। किंतु आप जैसी रूप सुंदरी को यह कोड़ी संसार का कोई सुख नहीं दे पाएगा, यही सोच के मेरा मन दुखी और व्यग्र है। स्वामी, आपका नगरी में आना, मेरा आपके साथ विवाह करना, ये कोई योग नियोग नहीं है। अवश्य अवश्य परमात्मा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप जैसी धर्मपरायण धर्मपत्नी प्राप्त करके मैं तो धन्य हो गया देवी। पर अफसोस, आपका स्वामी बनकर ऐसी धन्यता का अनुभव मैं आपको नहीं करवा पाया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मैं भी सच्चे मन से आपसे वरी हूं और आपकी धर्म पत्नी होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है कि आपकी शारीरिक क्षति दूर करने का मैं पुण्य कमाऊं। भगवंत, आपकी और प्रभु की कृपा से मुझे धर्म और कर्म सत्ता में मानने वाले स्वामी मिले हैं। इनकी आत्मा की भांति इनका शरीर भी स्वस्थ और कोढ़ रहित करने का उपाय ढूंढने के लिए आज मैं आपके शरणों में आई हूं।
मैना, इसके उपाय के लिए तुम दोनों को कठोर तपस्या करनी होगी। मैं मेरे स्वामी के लिए कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं भी अपनी भार्या का इस कठोर तपस्या में यथाशक्ति साथ देने को कटिबद्ध हूँ। बताइए भगवंत, हमें क्या करना होगा? तुम्हें इस सिद्ध चक्र के समक्ष आसो माह में नवपद की ओली करनी होगी। तुम्हारी इस तपस्या के संपन्न होते ही तुम्हारे स्वामी कोट मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीपाल और मैना सुंदरी की कठोर तपस्या संपन्न होती है। तभी विमल देव प्रकट होते हैं और दोनों को मोतियों की माला के साथ आशीर्वाद देते हैं। उनकी साधना से प्रभावित होकर श्रीपाल को दो सिद्धियां देते हैं, एक जलतरणी औषधि और दूसरी शस्त्रहरणी औषधि। श्रीपाल संपूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। श्रीपाल राजा इन सिद्धियों से देश विदेश में व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन एक बार भरूच बंदरगाह पर, रुको, तुम हमारी समंदर की सीमा में आए हो, इसलिए यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि यह धवल शेट का इलाका है। मित्र, समंदर के पानी पर तो सबका हक है, और हम यहां कुछ लेने तो आए नहीं, तुम्हारे धवल शेट के पास ले जाओ। मैं, हमारी बात समझ में नहीं आती? जिसको हमारी बात समझ में नहीं आती ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो? महातपस्वी, महासूरवीर और कई सारी सिद्धियों के धारक महाराजा श्रीपाल से। क्या तुम नहीं जानते इनका नाम? नहीं जानता मैं इन्हें। नहीं सुना मैंने आपका नाम। लगता है किसी छोटे मोटे गांव के छोटे मोटे लुटेरे हैं। सावधान, अपने प्राण प्यारे हो तो तुम्हारे धवल शेट के पास ले जाओ, वरना तुम्हारी हंसी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हमने सुना है तुम कई सिद्धियों के स्वामी हो। हमारे 5,000 जहाज इसी समुंदर में कई दिनों से कोई कुदरती शक्ति से फंसे हुए हैं। एक धागा भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे। क्या तुम हमारी सहायता करोगे मित्र? मित्र, तुमने मुझे मित्र कहा और तुमने मुझे जीत लिया। मित्र, सहायता तो प्रभुवीर करते हैं, हम तो केवल उनकी आज्ञा में रहने वाले जीव हैं। मैं कोशिश करता हूं। ऐसा चमत्कार होता हुआ देख धवल शेठ श्रीपाल को
100,000 सोना मोहरे देते हैं। देखते ही देखते दोनों की मित्रता गाढ़ हो जाती है, लेकिन लोभ, माया और ईर्ष्या के भाव मनुष्य को अपने मार्ग से चलित करते हैं। ये रणमल और उनके साथी अपने आप को समझते क्या है? व्यापार में हमें प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, उन्हें तो जल समाधि दे देनी चाहिए। क्या कहते हो साथियों? हाँ, उन्हें जल समाधि देनी चाहिए, उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। हाँ हाँ, नवल साहब सही कह रहे हैं, उन्हें जल समाधि देनी चाहिए, उन्हें तो जल समाधि दे देना चाहिए। शांत हो जाइए सभी। मेरे मतानुसार सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और जीव दया तो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। अति हमारे प्रतिस्पर्धा के सह अस्तित्व को स्वीकारते हुए बिना किसी पूर्वग्रह के यथाशक्ति उनकी सहायता करनी चाहिए। श्रीपाल राजा का ये जय जयकार बब्बर कोट बंदरगाह तक सुनाई देता है। वहां के महाकाल राजा की पुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल राजा के साथ होता है। फिर श्रीपाल राजा, मदन सेना और धवल शेठ रत्नद्वीप यानी आज के रत्नागिरी में पहुंचते हैं और वहां के राजा कनक केतु की पुत्री मदन मंजुषा से श्रीपाल विवाह करते हैं। यह देख धवल शेठ के मन में ईर्ष्या के भाव जहरीले सागर की भांति उछलने लगते हैं। अरे 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 अरे, सुंदरी हो, कहाँ जा रही हो? हमारे पतिदेव की सेवा में। पति की सेवा करके क्या मिलेगा? पति की सेवा करना ही पत्नी धर्म है धवल शेठ। पत्नी धर्म में पति के मित्र की सेवा भी आती है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, ये अनुचित है, हमें जाने दीजिए। थोड़ा समय हमारे साथ भी व्यतीत कर लीजिए, फिर जाने देंगे। द्वारपाल, पहरेदार। अरे अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। ठीक है, जाइए। धवल शेठ, आज तुमने मेरे पत्नी धर्म का अपमान किया है और मेरे आजीवन पर पुरुष को स्पर्श ना करने के प्रतिज्ञा का भी अपमान किया है। मैं इस घोर पाप के लिए तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे समस्त कुल के साथ सर्वनाश होगा। कुछ दिनों बाद श्रीपाल राजा नवपद की ओली पूर्ण करके उनकी दोनों पत्नी और धवल शेठ कोंकण प्रदेश की राजधानी ठाणा के लिए निकलते हैं। धवल शेठ की जय हो। आपका ऋण चुकाना ना पड़े इसलिए त्रिभुवन यहां तक भाग आया था। धवल शेठ की नजरों से ओझल होना असंभव है। तुम हमसे 500 सुवर्ण मुद्राएं का ऋण लेके गए थे जो आज तक तुमने वापिस नहीं किया। आज तुम वो मुद्राएं दोगे या फिर अपने प्राण। रुक जाए धवल शेठ, जैन धर्म का सिद्धांत समझाता है कि हमें अपरिग्रह रखना चाहिए, छोड़ देने और क्षमा करने के भाव रखने चाहिए, कर्म सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए और कोई भी गलत निर्णय लेकर कुकर्म नहीं बांधने चाहिए। किसी की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है ही,
किंतु किसी की हत्या होते हुए देखना और भी बड़ा पाप है। त्रिभुवन का ऋण मैं चुका दूंगा। आप धन्य श्रीपाल राजा, आप धन्य। हमारे पास इतने बड़े बड़े जहाज होने के बावजूद हम इस छोटी सी नौका में क्यों सफर कर रहे हैं? देवी, समुद्र प्रवास का सही आनंद बड़े बड़े जहाजों में नहीं, ऐसी छोटी छोटी नौकाओं में ही आता है। सुनिए, हमें संदेह हो रहा है कि आपके मित्र आपके कल्याणी मित्र नहीं है। ये जरूर उनकी कोई साजिश है, मुझे भी भरोसा नहीं है। किंतु मुझे कर्मसत्ता पर पूरा भरोसा है। आप चिंतित न हो देवी, कर्मसत्ता सब ठीक करेगी। राजन, चिंतित मत होइए, राजकुमारी की कुंडली में कोई दोष नहीं है। फिर योग्य वर क्यों नहीं मिल रहा? राजन, मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात मेरी बेटी मदन रेखा के भाग्य में योग्य वर है ही नहीं? जी नहीं महाराज, राजकुमारी के भाग्य में एक ऐसा वर है जो युग उद्धारक कहलवाएगा, ऐसा धर्मपरायण वर जिसकी गाथा इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। सुवर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी? हाँ हाँ, मगर ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन चंपा के वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे? मित्र, या क्या हुआ? मित्र, तुम्हें कुछ ध्वनि सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि, कहां से आ रही है ये ध्वनि? समुंदर की गहराई से। मगर किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको? किसी के मृत्यु की। किसकी? तुम्हारे। महाराज की जय हो। महाराज, राज ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हुई। अभी अभी मैंने एक युवक को चंपा के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए देखा है। सच?
अरे तो अति शुभ समाचार है, जाओ जाओ जल्द से जल्द उसे अपने राजमहल में उपस्थित करो, जाओ वरदान जाओ। वसुपाल राजा श्रीपाल को देखते ही अपनी पुत्री मदन रेखा से उनका विवाह करवाते हैं और बड़ी धूमधाम से श्रीपाल का राज्याभिषेक करते हैं। परंतु इस खबर को धवल शेठ तक पहुंचने में देर नहीं लगती। संभव, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से श्रीपाल को समंदर में फेंका था, फिर वो बच कैसे गया? मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है धवल सेठ। अभी भी समय है, श्रीपाल से क्षमा मांग लो। मैं और श्रीपाल से क्षमा की भीख मांगू? असंभव। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वसुपाल राजा ने क्या देखकर अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में दे दिया। वही जो तुम अपने मित्र में नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें ईर्ष्या से अंधी हो गई हैं। तुम जिस राह पर चल पड़े हो ना, उसका अंत सदैव ही अमंगल रहेगा। किंतु अब मैं श्रीपाल को ऐसी मौत दूंगा कि वो उससे कभी उभर नहीं पाएगा। एक रात धवल शेठ श्रीपाल के महल में उन्हें मारने की मंशा लेकर जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिरते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वो सीधे नरक में जाते हैं। और कुछ समय पश्चात वसुपाल राजा को मालूम पड़ता है कि श्रीपाल और कोई नहीं परंतु उनकी छोटी बहन का बेटा उनका भांजा है। श्रीपाल राजा ने यहां से प्रयाण किया, उससे पहले उन्होंने टेम्भीना का ठाणा स्थित आज जहां मुनि सुव्रत स्वामी का भव्य मंदिर है वहीं पर पारणा किया था। ऐसे श्रीपाल राजा हमारे ठाणा नगर में 11.5 लाख साल पहले 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समय में हुए। ऐसी ठाणा नगरी में जहां भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी जी श्रेणिक राजा को श्रीपाल राज सुनाते समय कुबेर की नगरी अलकापुरी के नाम से संबोधित करते हैं। उन दिनों ठाणा में 999 जैन अजैन मंदिर थे, परंतु काल चक्र कुछ ऐसा घुमा कि आज से 150 साल पहले यहां एक भी मंदिर बचा नहीं था। तकरीबन 150 साल पहले राजस्थानी जैन पैदल चलते हुए ठाणा आने लगे। कुछ 25-30 परिवार यहां रहकर व्यापार करने लगे। यहां उन्हें सब मिल रहा था सिवाय आया। राजस्थान से ठाणा आए हुए बहुत समय हो गया। सबके व्यापार अच्छी तरह से ठीक ठाक चल रहे हैं भाई। चलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्रभु कृपा से जिंदगी का गुजारा भी हो रहा है। बस एक स्वयं प्रभु का सानिध्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने खेंगर जी।
प्रभु भक्ति और प्रभु दर्शन, ये दोनों के बिना मानव जीवन अधूरा सा लगता है। बिल्कुल अधूरा सोफी सफी है। तो क्या हमारी ये प्रभु दर्शन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? अरे भाई क्यों नहीं होगी, जरूर पूरी होगी। माघाटने मंदिर के लिए आदेश्वर दादा की प्रतिमा जी जो पालीताना से आ रही है, जो कचकोटार केशव जी नायक ने भराई है, कुछ दिनों के बाद वही प्रतिमा जी यहाँ से पालीताना के लिए जाएगी। बस उसी समय हम सब चले जाएंगे प्रतिमा जी के दर्शन का लाभ लेने के लिए। हैं? अपनी वाली बात है। माघाटने मंदिर के लिए आदेश्वर दादा की प्रतिमा जी पालीताना से आ रही थी। उनकी अंजन शला का सन 1730 में पादिलप्त सुरीश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य आचार्य रत्नसागर सुरीश्वर जी के हाथों हुई थी। माघाटने मंदिर के लिए प्रतिमा जी को ले जाया जा रहा था, तब ठाणे में एक चमत्कार हुआ। बोलो जय जय श्री आदिनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो आदिनाथ दादा की जय। अरे भाई थोड़ा जोर लगाओ। अरे भाई जोर से जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया गाड़ी नहीं बढ़ रही है। हाँ थोड़ी कोशिश करो। अरे भैया कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। त्रिलोचन जी बैलगाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, अब आप ही बताइए क्या करें हम? हम क्या कर सकते हैं, करने वाला स्वयं गाड़ी में बैठा हुआ है, शायद दादा को यही रहना है। बोलो आदेश्वर दादा की। त्रिलोचन जी अगर दादा की इच्छा यहीं पर रुकने की है तो हमें मंदिर भी यहीं बनाना पड़ेगा। हाँ विचार तो उत्तम है आपके, लेकिन हमारे संघ के पास इतना द्रव्य भी नहीं है, तो हम मंदिर निर्माण का कार्य कैसे कर पाएंगे? मुनीम जी चिंता मत कीजिए, अगर दादा की इच्छा यहीं पर रुकने की है तो द्रव्य की व्यवस्था भी वही कर देंगे। बिल्कुल हा? बिल्कुल भाई, अब तो मंदिर इसी जगह निर्माण होकर रहेगा। चलिए बोलिए आदिनाथ दादा की जय। सब लोग दादा की प्रतिष्ठा वहीं करने की बात पे सहमति जताते हैं, और वो जगह और कोई नहीं, हमारा टेंभी नाका ही थी। जग्गा जी अगर मंदिर निर्माण में आपका योगदान मिल जाए तो कास्ट का मंदिर बन जाए। भाई साहब गए साल व्यापार में इतना घाटा हो चुका है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो फिर आप कुछ मदद कर दीजिए। मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचा। मंदिर के निर्माण के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा? ना। आपकी बात सही है, हमारे पास पैसे नहीं बचे, लेकिन मेरे गहने तो है ना। नहीं नहीं, आप लोगों के दागिने दे देंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। किसने कहा कुछ भी नहीं बचेगा, मुझे दादा का सानिध्य मिलेगा, उसके लिए मेरे गहने तो क्या मैं अपने प्राण तक दे दूंगी। धन्य है अब सभी माताएं धन्य है। देखते ही देखते 6 साल में जमीन खरीद कर कास्ट के घर मंदिर और उपाश्रय का निर्माण हो गया। सबकी सालों पुरानी इच्छा पूर्ण होती है और इस मंदिर की प्रतिष्ठा संवत 1982 में मुंबई उद्धारक परम पूज्य मोहनलाल जी महाराज के हाथों हुई। आदेश्वर दादा के मंदिर निर्माण के पूरे होने पर खूब खूब अनुमोदना, लेकिन मैं देख पा रहा हूं इस मंदिर के सामने एक और मंदिर का निर्माण होगा। क्या एक मंदिर के सामने दूसरा मंदिर? हाँ आपको तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू करना होगा। लेकिन गुरुदेव किसका मंदिर? मुनि सूरत स्वामी जी का। देखो शांति विजय जी महाराज के आदेश से मंदिर के सामने की जमीन तो हासिल हो गई, लेकिन अब मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। अब इतने सारे पैसे का प्रबंध हम करेंगे कैसे?
हाँ, कार्य तो बहुत मुश्किल है और इस समय पैसों को इकट्ठा करना मतलब लोहे के चने चबाने समान है। अब समझ में आया? मैं तो कब से मना कर रहा हूँ। संघ ने अपनी सारी पूंजी जमीन खरीदने में लगा दी। हमारी बात मानो तो ये जमीन बेच दो। हर वक्त आप कमजोर बातें क्यों किया करते हैं? मंदिर का निर्माण तो होके ही रहेगा। मंदिर का निर्माण तो होके ही रहेगा। संवत 1982 में खुदाई का काम शुरू भी हुआ, परंतु संघ के सदस्यों के बीच मन मुटाव के कारण मंदिर निर्माण का काम धरा का धरा रह गया। 12 साल गुजर गए और फिर एक दिन जिन रिद्धि विजय जी महाराज साहिब का ठाणा में आगमन हुआ। मैंने आपको जो कार्य सौंपा था कि संघ में हुए मन मुटाव को सुलझाइए और मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ाइए, उसका क्या हुआ? गुरुजी, हमने कोशिश बहुत की लेकिन संघ में पड़े हुए दो गुटों में समाधान नहीं हो रहा है और दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, कोई झुकने को तैयार ही नहीं। और यहां बैठे आप सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? अपने सांसारिक जीवन में इतने उलझ गए हो कि किसी में मंदिर बनाने के भाव ही नहीं? अगर थाना के लोग ही घर पर बैठे रहेंगे तो यहां कभी मंदिर नहीं बन पाएगा। चाहो तो हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हो और चाहो तो इस मंदिर को मंदिर ही नहीं तीर्थ भी बना सकते हो। गुरुजी हमारो अंतरनाद, हमने आपको आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाद, हमने आपको। और इस प्रकार शांति विजय जी महाराज की प्रेरणा से भव्य नवपद जिनालय के निर्माण का कार्य शुरू होता है। सारे श्री संघ वाले नाच उठे। मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ तो हुआ, पर लोगों ने सोचा कि उनके पास खुदाई का भी पैसा नहीं है तो इतना भव्य मंदिर कैसे बनाएंगे। लेकिन बावजूद इसके उस समय के सारे आगे वालों ने कड़ी मेहनत करके मुंबई के विविध संघों में जाके उस समय के सेठ साहूकारों को मिलके और पीढ़ी पीढ़ी जाके मंदिर के लिए फंड इकट्ठा किया। और तभी वढ़वान नगर में विराजमान शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य श्री नेमी सुरेश्वर जी महाराज ने प्रतिमा जी का अंजन करते वक्त एक भविष्यवाणी की थी। भारत के अलग अलग प्रांत में जाने वाली इन सारी प्रतिमा जी में से मुनि सूरत स्वामी जी की ये प्रतिमा जी बहुत विशेष है। ये प्रतिमा जी जहां भी विराजमान होगी उस गांव, शहर और नगर का कायाकल्प हो जाएगा। वहां के लोग धर्मनिष्ठ और सुखी संपन्न हो जाएंगे। लगता है थाना में लीला लहर होने वाले है भैया। और फिर आया वो 14 दिन का प्रतिष्ठा महोत्सव और प्रभु वीर का आगमन। 108 बैलों की जोड़ी में सभी प्रतिमा जी का नगर प्रवेश हुआ। संवत 2005 महासुद पाचम के दिन आचार्य प्रताप सरस्वती महाराज साहब और परम पूज्य आचार्य श्री जिन रिद्धि सूरीश्वर जी महाराज साहब, इन दोनों ने मिलकर प्रतिष्ठा करवाई और तभी एक चमत्कार हुआ। प्रतिमा में साक्षात भगवान विराजमान है। बोलो श्री मुनि सरस्वती भगवान की जय। ये प्रतिमा जी कसौटी से बनाई गई थी और उन्हें प्रतिष्ठित करते समय उनका दाहिना कान परिकर से टकराने के बाद मामूली खंडित हुआ था। सब परेशान होकर गुरु भगवान के पास गए। गुरु भगवान, प्रतिमा जी का दाहिना कान थोड़ा सा खंडित हो चुका है, हमें लग रहा है कहीं कुछ अमंगल तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आप चिंतित मत होइए, इससे थाना की जाहो जलाली में कोई फर्क नहीं आएगा।
हाँ, पर एक बात होगी। क्या गुरुजी? भगवान जी उस कान से थोड़ा कम सुनेंगे। मतलब? आपके संग और आगे वालों के बीच में तालमेल थोड़ा कम रहेगा। और दूसरे दिन द्वार उद्घाटन के समय धर्मेंद्र देव नाग देवता ने 5 घंटों तक दर्शन दिए, ये भी एक अलौकिक घटना थी। बाहर धर्मेंद्र नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। धर्मेंद्र नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। चलो। गुजरात और महाराष्ट्र के पार्टीशन के समय गुजराती और मराठियों के बीच जब संघर्ष हुआ, तो मराठियों ने राजस्थानियों की गुजराती समझकर उन्हें महाराष्ट्र छोड़कर अपने रतन जाने को मजबूर कर रहे थे। तब एक विरल व्यक्ति ने बाजी संभाली, जिनका नाम था रूपचंद जी अंजारी मलजी परमार। निगा निगा या लोकर निगाई से इतुन काय इतुन निगाई से आणि आपल्या वतनाला परत जायचं। हा महाराष्ट्र ना आमचा आहे, तुमचा गुजरात नाहीये, काय समजलं? चला सामान बांधा, निघा लवकर। काय सांगतोय मी? थांबा भाऊ थांबा, माझं ऐकून तरी घ्या। जब अंग्रेजों ने और मुगलों ने भारत को लूटा, तब शिवाजी महाराज शेर की तरह लड़े और महाराणा प्रताप ने एक बाघ की तरह उनको यहां से खदेड़ा। शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने तुम्हारा राज और मेरा राज्य नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि वो अखंड भारत के लिए जिए और मरे। हम राजस्थानी लोग शांति प्रिय, धर्मनिष्ठा और मेहनती है। हम मराठी और महाराष्ट्र के दुश्मन नहीं है। अगर आप वाकई में शिवाजी महाराज के वंशज हो, तो आप हमारे लोगों पर जुल्म और अत्याचार बंद कर दीजिए। ठीक है, वो मैं तुम्हारा सब वचन दे दो कि यापुढे मराठी माणूस आणि राजस्थानी माणूस भावासारखे राहतील। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय जैन शासन, जय जैन शासन। रूपचंद जी बासा की सारे सहयोगियों की टीम ने और खासकर उस समय के ट्रस्ट मंडल ने बहुत बढ़िया काम किया और महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर अनेक राजस्थानी परिवारों को बचाया और बन गए खाना संघ के सबसे बड़े कर्मवीर। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रूपचंद जी के नेतृत्व में उस समय के ट्रस्ट मंडल और संघ के माध्यम से उस समय के संरक्षण मंत्री यशवंत चौहान को चांदी से तराजू तोलकर इकट्ठी की हुई चांदी देश के संरक्षण के लिए अर्पण की गई। एक और गजब का काम किया था रूपचंद जी और उनके ट्रस्ट मंडल ने। हमारे मंदिर के क्षेत्र पे एक कैसा संकट आ गया? गुलाबचंद जी क्या सोच रहे हो, अपने मंदिर के क्षेत्र को टूटने से बचाना ही होगा। रूपचंद जी हम सब मिलके मुख्यमंत्री के पास चलते हैं। ताराचंद जी मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर धरना आंदोलन करना चाहिए। विक्रम जी, रिकबचंद जी, कल सुबह अपन को रजिस्ट्री के पास जाके स्टे ऑर्डर लाना पड़ेगा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें कुछ और सोचना होगा। अरे सुबह तो टाउन प्लानिंग वाला आई लपा। राजमुल जी सा, हम ऐसे तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रुको रुको बा, रुको बा। अरे हेलो मैं हेलो बाने बैठे बैठे मंदिर बाने बैठे बैठे वीडियो तो सलम बीजी पिए रियो। मैं हेलो चक्रूप जी, दीपचंद जी, हम मंदिर जाके क्या जवाब देंगे लोगों को कि हमें कोई रास्ता नहीं मिला? देखो भाइयों, शांत रहो, दादा की कृपा से कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। चलिए हम सब अंदर चलते हैं, उठिए।
बोल श्री पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरु श्री महाराज साहब की जय। बोल श्री धर्म प्रताप सुरी सुर जी महाराज साहब की जय। बोल श्री शांति विजय जी महाराज साहब की जय। बोलो श्री नेमीसुरी जी महाराज साहब की जय। बंद करो ये सब। इंस्पेक्टर, यहां तो गुरुदेव विराजमान है। मैं इन्हें पंजाब में मिला था, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ जाना उनसे। ये हमारे लिए सदैव पूजनीय है, इसलिए पवित्र स्थल नहीं टूटेगा। लेकिन कपूर साहब, टाउन के प्लान के हिसाब से ये जगह सही नहीं है, इसलिए इस जगह को तोड़ना ही पड़ेगा। प्लान में बदलाव कीजिए। कैसे बदलाव करें? कैसे भी कीजिए, मेरे पास ऑर्डर नहीं है बदलाव का। ये मेरा हुक्म है, कुछ भी करो, ऑर्डर कैंसिल कर दो। टाउन प्लानिंग के नाम पे लाखों लोगों की आस्था के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। लोकचंद जी, परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। अब जाइए यहां से, आप लोग जाइए, आप लोग यहां से। लोकचंद जी, आगे से आपके संग को हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। जय गुरुदेव। वाह रुपचंद जी, आपकी तरकीब काम कर गई, वरना हमारे लोगों को फिर से अपने प्रभु और गुरु भगवान के निशा से दूर रहना पड़ता। रुपचंद जी साहब, आपने तो अनर्थ होते हुए बचा दिया। ये सब मेरे अकेले की वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, श्री संघ के कृपा से और आप सभी के सहयोग से ये काम हुआ है। इसके आगे संघ में कोई भी आपत्ति या विपत्ति आवे तो हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। बोलो जिन शासन देव की जय। आदेश्वर दादा का मंदिर पूर्ण जर्जर हो चुका था। परम पूज्य विशाल सुरेश्वर जी महाराज साहब की परम प्रेरणा से संवत 2038 वैशाख सुद दशम को नए जिनालय का भूमि पूजन हुआ। चंद्रमल साहब, बाबूलाल साहब, अपनी संख्या बढ़ रही है और मंदिर की क्षेत्र की जगह कम पड़ रही है। जुगराज जी साहब, मैं कहता हूँ हमें हमारा परिसर विकसित करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? फूलचंद जी साहब, हमें आसपास की जमीन खरीदनी होगी। जयंतीलाल जी साहब, अपने समाज ने संघ की संख्या बहुत बढ़ रही है तो अपने स्वामी वस्त्र वास्ते ने प्रोग्राम वास्ते नवा नवा भवनों निर्माण करना पड़ेगा। हमारे लिए समाज के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जुगराज जी साहब, दीपचंद जी साहब, आप क्षेत्र विस्तार के लिए जमीन खरीदने की तैयारी कीजिए। जयंतीलाल जी साहब, म्युनिसिपालिटी संभालिए। चंपालाल जी साहब, भवन निर्माण का काम शुरू कीजिए। बाबूलाल जी साहब, अपने ट्रस्ट मंडल कार्यकाल में जो भी सेवा करनी पड़ी ला वहाँ पे करो ला। जेठ सुदी पाचम के दिन मंदिर शिलान्यास हुआ और मंदिर का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य के अंदर खूब विघ्न आए, कार्य कई वर्षों तक चलता रहा। 12 साल तक निर्माण का कार्य चलता ही रहा। साहब, बाबूलाल जी साहब, आदेश्वर दादा का 12 साल से मंदिर का काम चलता ही जा रहा है। न जाने किसकी नजर लगी है कि काम पूरा ही नहीं हो रहा है। उत्तम चंद जी साहब, प्रतिष्ठा सिर पे है वो अलग। चंदनमल जी, अब तो बहुत जल्दी पैसों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सही कहा बाबूलाल जी, अब पैसों का बंदोबस्त करने के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन उत्तम चंद जी, ये काम इतना आसान नहीं है। जुगराज जी, आपकी बात सही है, ट्रस्ट की तिजोरी बिल्कुल खाली है। जुगराज जी साहब, तिजोरी खाली है तो क्या हुआ, हमारा जज्बा तो कायम है। परम पूज्य आचार्य भगवान रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब की प्रेरणा से हम लोग सभी घर घर दुकान दुकान में जाकर फंड इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम लोग जब तक प्रतिष्ठा पूरी नहीं होवे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। महाशुद दशम के दिन विक्रम संवत 2050 को मंदिर की अंजन शाला का प्रतिष्ठा हुई। यह प्रतिष्ठा परम पूज्य आचार्य वल्लभ श्री समुदाय के परम पूज्य आचार्य श्री रत्नाकर श्री सर्वजी महाराज साहब के निष्ठा में हुई। यह कार्यकाल था बाबूलाल जी नानावटी और उनका ट्रस्ट मंडल का। अपने कार्यकाल के दौरान बाबूलाल जी ने
दोनों भवनों उपाश्रय मंदिर और बिल्डिंग का निर्माण कराया था। मुनीश्वर स्वामी मंदिर के बाही और संकेश्वर हॉल जो बना हुआ है उसके ऊपर 3 माले की मंजिल, रहने के लिए रूम। मुनीश्वर स्वामी मंदिर के सामने पंचायत भवन के ऊपर 4 माले का बिल्डिंग, केसरिया भवन में रहने के लिए रूम, मणिभद्र हॉल की पूरी जमीन, ये सभी खरीदी और ये सब कार्य हमारे कार्यकाल में पूर्ण हुए। उस समय भी मैंने और मेरी टीम ने दुकान दुकान और बिल्डिंग बिल्डिंग जाकर निर्माण कार्य के लिए फंड इकट्ठा किया और इस प्रकार आदेश भगवान के जीर्णोद्वार का काम पूरा हुआ। फिर भी मणिभद्र वीर वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिले। यहाँ के मणिभद्र वीर की बड़ी महिमा है, यहाँ पे सभी मन्नतें पूरी होती है। संवत 2054 में मानपाड़ा से जैन भाइयों के लिए मंदिर निर्माण करने के लिए सुझाव आया। उनके लिए जगह भी ली गई और वहाँ भगवान जी को विराजमान करने के लिए संवत 2054 महाशुद्धि दशम शुक्रवार के दिन कल्याण नगर में परम पूज्य आचार्य रत्नाकर श्री शिवजी महाराज साहिब के द्वारा अंजन शलाका की गई। इन प्रतिमाओं को ठाणे टेमी नाका पे मेहमान रूपी चल प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद भगवान कहीं जाने के लिए तैयार हो ही नहीं रहे थे तो वही मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और फिर से त्रस्त मंडल और संघ के बीच और खींचातानी वाद विवाद शुरू हो गया और फिर से झगड़े शुरू हो गए और 30 साल तक इसका कोई हल नहीं निकला। आज अपने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, भावे वाड़ा रो कब्जो लेना है, जो बाबूलाल जी जगह ली थी वो नो आज कब्जो लेना है, जो आप सब जना सहकार्य करो, कोई नगरा चोला जी कोई करना हो जगह बोलो। नारू भाई ओपरे लेनो इस बड़ी कब्जो ऑलरेडी ओपरे पिया लगाने हॉल मोटा भाई ओपरा गुणवंत बोलो फिकर करनो जगह करो देखे उन्नी प्लानिंग। गुणवंत भाई कब्जो ओपरे लेनो है, कोई भी सूरत नहीं लेनो है, 50% दो भाड़ोती ने खाली कराओ, कोर्ट कचहरी करनी दादागिरी कुछ भी अपे करो, इन कब्जो लेनो अपोरे आपरो कोई गणा नरेंद्र भाई अड़ बात मत है। समाज हित में अपोरे अच्छोती अच्छो निर्णय लेना है ने आज अटे कोई नहीं कर सकिया तो हैंग जगह पर दौड़नो पड़ी, बाकी म्युनिसिपैलिटी वगैरह सूरज भाई मैनेज कर ही पाओ तो है। नरेंद्र भाई अपने को थाना म्युनिसिपैलिटी पूरा मैनेज हो जाएगा, लेकिन अपने को कोई भी हालत में इसका कब्जा लेना है। मैं पूरे ट्रस्ट मंडल के साथ में हूँ, लल्ली जी आपका क्या कहना है? मैं तो सबके साथ में हूँ, ये अपना भावे वाड़ा जल्दी से जल्दी कब्जे में लेके बड़ा हॉल बनाना है। बसंत जी आपका क्या कहना है? ललित भाई अपनी जो गार्डन की जगह थी ना वो अपने रूपजी बासा की वजह से बच गई, लेकिन इस जगह को अपने हाथ से किसी भी हालत में नहीं जाने देना है, अपने को कुछ भी करना पड़े ये जगह अपने हाथ से नहीं जानी चाहिए। क्यों सूरज भाई आपको क्या लगता है? हाँ वसंत भाई संघ के विकास के संघ के हित में मैं सबके साथ हूँ। बोलिए रमेश भाई आपका क्या कहना है? हम सब पूरा ट्रस्ट मंडल साथ में है और हम सबको मिलके ये काम किसी भी हालत में करना है, 100% करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भंवरलाल जी आपका क्या विचार है? संघ के हित में हमें ये काम पूरा करना ही है, लेकिन 30 साल बाद और संघ ने यहीं पर मंदिर निर्माण का काम किया। इस मंदिर का शिलान्यास संवत 2075 आशो सुद एकम सोमवार को हुआ। यह कार्य आचार्य श्री चिदानंद श्री सर जी के हाथों से हुआ। उसके बाद कोकण शत्रुजय तीर्थ कहलाने वाले थाना में परिवर्तन और क्रांति की शुरुआत हुई। मैं साहब उत्तम चंद केसरीमल जी डेलरिया वाला वर्तमान में श्री ऋषभ देव जी महाराज जैन धर्म टेम्पल ख्याति ट्रस्ट राजस्थान जैन संघ थाने में सेक्रेटरी पद पर हूँ। पूर्व में जब मैं मैनेजिंग ट्रस्टी था तब मेरे कार्यकाल में परम पूज्य आचार्य वर्तमान गच्छाधिपति श्री धर्म धुरंधर सुरसर जी महाराज साहब का एवं पावागढ़ वाले श्री जगचंद सुर जी महाराज साहब का चातुर्मास बहुत धूमधाम से हुआ था। उस समय वल्लभ विद्यालय की स्थापना भी मेरे कार्यकाल में हुई थी और वल्लभ विद्यालय स्कूल के लिए हमने गणेश बाग राजश्री पाम की जमीन भी स्कूल के लिए ले ली थी और उस समय भी काफ़ी ट्रस्ट मंडल के मेरे साथियों ने बहुत सहयोग दिया। उस समय मुंबई में जब बाढ़ का प्रकोप हुआ था, इतनी बड़ी काफ़ी बाढ़ की होने की वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हो गए थे, तब यहाँ के कलेक्टर साहब पुलिस कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर लोग सभी लोग हम लोगों हमारे स्त्री संघ से विनती की थी कि भाई आप लोग सक्षम हो तो इस समय आप कुछ हमें सहायता करने की मेहरबानी करें। तब हमने यहाँ से रोज कम से कम 7-8-10 हज़ार लोगों का पूरी सब्जी एवं खिचड़ी की व्यवस्था जो की थी वितरण उन लोगों ने अपने हाथ से सब किया था। उस समय
ये कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब लोगों ने हमारी खूब खूब अनुमोदना की, खूब तारीफ भी की और आभार भी माना था, सकल संघ को धन्यवाद भी दिया था। ठाणा के लाडले धर्मवीर आनंद दिघे के उपकारों को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्हें मुनि सुव्रत दादा के मंदिर के प्रति खूब लगाव था। वो दर्शन करने हर शनिवार को आते थे। उनको हमारा कोटि कोटि नमन। उसके बाद कोंकण शत्रुंजय तीर्थ कहलाने वाले ठाणा में परिवर्तन और क्रांति की शुरुआत हुई। मुनि सुव्रत दादा के मंदिर का अंदर और बाहर का रिनोवेशन, आदेश्वर दादा के मंदिर का रिनोवेशन, मणिभद्र सभागृह का रिनोवेशन, पीढ़ी और ट्रस्ट पीढ़ी का रिनोवेशन, गृह उद्योग का नवीनीकरण, वर्तमान ट्रस्ट मंडल एवं संघ के सहयोग से यह सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। और 2023 में आने वाला है 11 दिनों का भव्य अंजन शला का प्रतिष्ठा महोत्सव। 27 जनवरी 2023 संवत 2077 महासुदी छठ के पावन दिन पर आज थाना जैन संघ में संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की प्रतिष्ठा का महोत्सव है और उस महोत्सव में हम श्री सिद्ध चक्र जैन नवयुवक मंडल के सदस्य काम कर रहे हैं पूरी उमंग से, पूरे जोश से। इसी मंडल से निकलकर थाना संघ की वहीवाट करने के आज तक के सभी अध्यक्ष, सभी ट्रस्टी एवं सभी मैनेजिंग ट्रस्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिद्ध चक्र जैन नवयुवक मंडल से निकले हैं और आने वाले प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे हुए मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अशोक भाई, ये बड़ी खुशी की बात है कि जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, थाना के कोंकण शत्रुंजय तीर्थ में मेहमान स्वरूपे विराजमान श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की अंजन शला का प्रतिष्ठा महोत्सव। कितने ट्रस्ट मंडल ने कितने प्रयास नहीं किए, गत 30 वर्षों के बाद यह मौका हमारे उदय भाई परमार के ट्रस्ट मंडल को यह मौका मिला और उन्होंने इस काम का जो बीड़ा उठाकर पूर्ण करने का जो समय है वह अब उसका आनंद ले रहे हैं। गत इन 30 वर्षों में कई ट्रस्ट मंडल ने श्री शंखेश्वर दादाजी को मूल नायक स्वरूपे विराजमान करने के कई अनगिनत अलग अलग प्रस्ताव आए। हम भी ट्रस्ट मंडल में थे, हमने भी कोशिशें की कि किसी तरह जो हमारे यहाँ मेहमान स्वरूपे श्री शंखेश्वर दादा विराजमान है उन्हें मूल नायक के स्वरूपे एक अच्छे सुसज्जित मंदिर में विराजमान करें और यह मौका हमें नहीं मिला। हमारी सबकी शुभकामना, श्री संघ की पूरी शुभकामना श्री उदय भाई के ट्रस्ट मंडल को है कि जिस तरह से उदय भाई एक टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे आयोजनों के साथ में श्री संघ का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ जुड़े। धन्यवाद। 2007 से 2012 तक सुरेश भाई और हमारे ट्रस्ट मंडल ने मणिभद्र हॉल हमारे ताबे में ले लिया। आज थाना नगर में ये जो प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है ये थाना नगर की छोटी प्रतिष्ठा है। आज से 128 साल पहले आदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद 75 साल पहले मुनीश्वर दादा की प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद आज से 30 साल पहले 1993 में आदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी और आज संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत खुशी की बात है थाना जैन भाइयों के लिए और पूरा संघ एकदम खुशी से इस प्रतिष्ठा को मनाने वाले हैं। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम। दिनांक 23 जनवरी 2007 श्री समकित जैन ग्रुप की स्थापना हुई, वहाँ से लेकर
अब तक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री संकेत जैन ग्रुप को 15 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह खुशी का हमारे लिए माहौल है कि इस वर्षगांठ के हमारे अवसर पर हमें भव्याति भव्य श्री संकेत उपासना दादा की प्रतिष्ठा में लाभ होने का अवसर मिला। साथ ही साथ हम हमारे थाने के विकास पुरुष श्री उदय भाई परमार की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं, जिन्होंने असंभव काम को संभव करके पूरे थाने जैन संघ का भारत भर में नाम गजा। गरज गरज के ढोल बाजे, गरज गरज के ढोल बाजे, ताशे और मंजीरा बाजे। आज से 9 साल पहले 2-3 दोस्त मिलके ऐसे ही सोचा कि भाई वीआर ग्रुप शुरू होना चाहिए थाना में, और वो वीआर ग्रुप शुरू हुआ आज से 9 साल पहले, और आज की तारीख में 300 प्लस मेंबर्स है, और हम लोग सब कोई भी मतलब समुदाय होने दो, सब साधु साध्वी भगवंतों का वीआर कराते हैं, और उसके अंदर वयावच हुआ वीआर हुए, और मेरे अंदर से यहाँ से काफ़ी 9-9 किलोमीटर्स के एरिया कवर होता है। यहाँ से भिवंडी हुआ, यहाँ से फिर कासरडवली हुआ, ये सब एरियाज़ में वीआर होता है हमारे। और अब ये प्रतिष्ठा का महामहोत्सव आया है, तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वीआर सेवा ग्रुप को भी हम लोग को ट्रस्ट मंडल से काफ़ी अच्छा ये मिला कि भाई नहीं, आपके वीआर सेवा मेंबर्स भी इसमें जुड़ने चाहिए, और काफ़ी जुड़े भी है। ट्रस्ट मंडल काफ़ी अच्छा इसके अंदर सहयोग दे रहे हैं। आज वीआर सेवा इतने अपने हजारों किलोमीटर्स पे होता है, इंडिया में सेकेंड लेवल पे स्टैंड होता है थाना वीआर सेवा ग्रुप। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सब पूरे मेंबर्स और सभी मेंबर्स सब मिलके सभी ग्रुप इकट्ठा होकर तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। सभी आंटियाँ 35 साल से शासन का काम संभाल रही है, मैं भी 20 साल से ये काम संभाल रही हूँ। भगवान की कृपा से आगे शासन का काम संभालने की ताकत मिले, और सभी ट्रस्टीगण हमारे सहयोग में है। भाई तू बोल रही है कि 35 साल से काम कर रहे, मगर हमारा कुछ भी नहीं है। मुनीश्वर स्वामी आदिश्य दादा यही हमको ताकत देते हैं, और ये हमारा ट्रस्ट मंडल जैसे सत्य कि जब 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 बोले तभी हाजिर के हाजिरी दिखाई देते, यही उसकी हमारी अनुमोदना करते हैं इन लोगों की। हमारा साहब की व्यवस्था करते, उपास संभालते, और हमारा साहब बोलते कि शासन का काम ऐसा ऐसा अच्छी तरह से करो, रोज करते रहो, उपासना में रोज आना, रोज सड़ा बोलना, रोज करना। मैं 25 साल से उपासना संभाल रही हूँ, बहनों की सेवा कर रही हूँ, और साधु जी महाराज की भी सेवा कर रही हूँ। श्री कोकण शत्रु जय तीर्थाधिपति श्री मुनीश्वर स्वामी की असीम कृपा से चल रही हमारी श्री मुनीश्वर स्वामी जैन पाठशाला थाने में। हमारा 400 सदस्य का प्यारा पाठशाला परिवार देव गुरु की असीम कृपा से बना है खुशहाल। गुरु भगवंतों का मिलता समागम, मिटाता हमारा भव भ्रमण का गम। श्री संघ का अपार आशीर्वाद, दिल से करते हैं प्रणाम। 65 सालों से चली आ रही हमारी यह पाठशाला, इस पाठशाला के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा लेडीज ग्रुप, गर्ल्स बॉयज ग्रुप एंड टीनी मिनी स्टूडेंट्स, इन सबके सपोर्ट से और इनके माता पिता यानी इनके पेरेंट्स का इतना सहयोग हमें मिलता है। जब भी जो भी क्लास हम रखते हैं उसके लिए वो रेडी हो जाते हैं, और हमारा ट्रस्ट मंडल हमें कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहता है। रंगोली क्लास हो या गहुली क्लास हो, बैंड क्लास हो या ड्रामा क्लास हो, डांस क्लास हो, ऐसे अनेक गतिविधियां जो बच्चों को स्कूल के अलावा कहीं जाने की जरूरत महसूस नहीं करवाने देता है, तो ऐसा ही ट्रस्ट मंडल। और इसका एक और यह बड़ा उपकार रहेगा हमारे श्री संघ पर कि इन्होंने जो यह पिक्चर बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी ठाणे की पुरानी हिस्ट्री, हम सब जिसे नहीं जानते थे वो हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखकर जानेगी कि हमारे ठाणे का इतिहास क्या है। रोम रोम ये खुल के नाचे, ठाणा में है स्वर्ग साजे, ठाणा में है स्वर्ग साजे। बोलो श्री पद्मावती मात की जय। मैं सा उत्तम चंद केसरी मल जी डेलरियावाड़ा, पूर्व अध्यक्ष श्री महावीर जैन मंडल ठाणा। विगत करीब 44 सालों से हमारा महावीर मंडल धार्मिक क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे कि अम्बिल खाता, रात्रि भावना या तीर्थ यात्रा संघ वगैरह में सदा आगे रहा है, और धार्मिक कार्य में सदा आगे ही रहेगा। वाह भाई वाह, आज थाना संघ में जैन समाज में महावीर जैन मंडल का नाम एक ही प्रसिद्ध है, मंडल की सराहना बहुत है, मंडल के कार्यक्रम अधिक है। श्री महावीर जैन मंडल के सभी सदस्यों ने तन मन धन से हर कार्य में अपना पूरा योग दिया है, और आगे भी देते रहेंगे। श्री महावीर जैन मंडल थाना जो गत 44 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहा है, उसके लिए श्री संघ के श्री मंडल के सभी सदस्य उसके लिए आभारी है, और आगे भी संघ से उम्मीद रखता है कि आगे कोई भी कार्य हो तो उसको सेवा जरूर दीजिएगा। श्री महावीर जैन मंडल एक सामाजिक संस्था है
और जब कभी समाज पर कोई आघात आए तो हमें क्या करना चाहिए। धर्म से ऐसी यारी रख, सुख दुख में भागीदारी रख, कोई कहे कुछ भी तू तो अपनी जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का पहले अपनी बारी रख, मुसीबत तो आएगी पूरी अब तैयारी रख, कामयाबी तो मिलेगी जंग हौसलों की जारी रख, बोझ लगने लगेंगे हल्के मन को मत भारी रख, जो मन जीता वो जग जीता, बस कायम अपनी खुददारी रख, बस कायम अपनी खुददारी रख। श्री चैत्यवंदन मंडल की स्थापना 1996 में स्वर्गीय देवराजी कांकरिया द्वारा हुई, जो निरंतर 27 वर्ष से भगवान श्री केसरीनाथ जी के दरबार में सुबह 7:30 से 8:30 बजे चैत्यवंदन भक्ति आरती का सामूहिक लाभ लेते हैं। आज इस मंडल में करीब 35 से 40 सदस्य हैं। उसके पश्चात पूरा चैत्यवंदन मंडल उपाश्रय में विराजमान गुरु भगवंतों के सामूहिक दर्शन करते हैं, पचखान लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग आपस में धार्मिक बातचीत करके साल में 2 से 3-4 बार धार्मिक यात्रा का सामूहिक लाभ लेते हैं। और यहाँ के संघ की मेहरबानी से हमने श्री चैत्य केसरी जी भगवान की आंगी का एक सुंदर लाभ लिए मिला है हमें। उसके लिए हम श्री संघ के भी आभारी हैं। और चैत्यवंदन मंडल मंदिर में किसी भी कार्य के लिए सदैव तत्पर रहता है। कमठी धरणी रेचा स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदाम्युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो नित्यानंद सूरये। वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का महान उपकार उपकार है तत्वचिंतक परम पूज्य चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का, जिन्होंने हमें चातुर्मास के लिए आज्ञा प्रदान की। 45 साल के बाद थाना नगर में प्रवेश किया, बहुत ही उल्लास देखा, जैसे कि नरेंद्र मोदी की तरह उदय भाई भी काम में एक्टिव, सभी कष्टीगण उत्साहित देखकर मन भर आया। सचमुच हमें बहुत ही आनंद आया। बहनों आई, बहनों ने जो व्यावच की, जो हमें प्यार दिया, उनकी जो हमने वचन मर्यादा देखी, व्यवहार मर्यादा देखी, वस्त्र परिधान मर्यादा हमने देखी, उनको पूछा कौन सा मंडल, चंदनमाला जो चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी की प्रमुखा साध्वी 36,000 में बड़ी आर्या चंदनमाला के नाम से जो मंडल चल रहा है, और इस मंडल की जो सक्रियता देखकर मैंने उनको कहा अब जो कोई भी आपको पूछे आप कौन से मंडल के हो तो आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है, मेरा परिचय इतना ही है, मैं जिन शासन की तस्वीर हूँ, जिन शासन पर मर मिटने वाली मतवालों की पीर हूँ, वस्तुपाल तेजपाल कुमारपाल भामाशाल जैसे दुईता की दुईता हूँ, उन शेरों की माता हूँ जिन शासन में चमक गए हम भी कुछ, सुलसा चंदनवाला मदन रेखा मैना जैसे कार्य हम कर पाएंगे, हमारे शुभ आशीर्वाद है थाना श्री संघ को, जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ तेरा नाम रहेगा। श्री साणा संघ में मुनीश्वर दादा की कृपा से हमारे मंडल चंदनवाला की स्थापना 17 फरवरी 2010 में हुई। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की प्रथम शिष्य चंदनबाला जो संयम पथ पर चलकर अपनी आत्म कल्याण कर गई, उनसे ही प्रेरित होके हमारे मंडल का नाम चंदनबाला सामायिक मंडल रखा गया। हम चाहते हैं कि चंदनबाला मंडल की सभी श्राविकाएं धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़कर आत्मा को निर्मल बनाए। इस चंदनबाला मंडल का मुख्य श्रेय श्रीमती कल्पना सोलंकी और श्रीमती सारिका बंसाली को जाता है। हमारे इस चंदनबाला मंडल को स्थापित करने की प्रेरणा हमें जिनान यशाशी जी महाराज साहब, जिसे हम थाना में डीपी महाराज साहब के नाम से जानते हैं, उनकी दीक्षा दिन के मिली। संयुक्त सेवा मंडल की स्थापना 16 फरवरी 2012 में हुई थी। हमारा मंडल का मुख्य उद्देश्य संयुक्त होकर, एकजुट होकर
हर एक क्षेत्र में, भले वो सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हर एक फील्ड में अपनी सेवा प्रदान करना है। और इस हमारी सेवा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे ट्रस्ट मंडल ने। हमें हर एक फील्ड में उन्होंने समय समय पर हमें सहयोग दिया है। संयुक्त सेवा मंडल हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्य में अग्रेसर रहा है। वो गुरु प्रवेश से लेकर गुरु विदाई तक के सभी कार्यक्रम, सभी धार्मिक कार्यक्रम, तपश्चर्या की व्यवस्था हो, सभी धार्मिक रंगारंग कार्यक्रम हो, भक्ति हो, सांझी हो, हमेशा संयुक्त सेवा मंडल आगे रहा है। संयुक्त सेवा मंडल ने हमेशा सभी महिलाओं को मंच देकर उनके कलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है। ये तो धार्मिक कार्य की बात हो गई, सामाजिक कार्य में भी संयुक्त सेवा मंडल कोरोना काल में किट वितरण कर उनकी वैक्सीन की व्यवस्था में, ब्लड डोनेशन कैंप में रोटी वितरण, कंबल वितरण सभी कर हमेशा आगे रहा। सभी कार्यक्रम में जितने भी कॉम्पिटिशन्स ठाणा संघ में हुए, उन्हें संयुक्त सेवा मंडल हमेशा अव्वल आया। ये तो ठाणा संघ की बात हो गई, संयुक्त सेवा मंडल मुंबई के अनेक उपनगरों में जाकर भी अपने धार्मिक सेवाओं का हमेशा सेवा देने के लिए हमेशा आगे रहा। इस मंडल को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा योगदान और सहयोग दिया हमारे मंडल की अध्यक्षा सौ ममता जी मेहता और उपाध्यक्षा सौ पिंकी जी कोठारी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ठाणा संघ के ट्रस्ट मंडल को, जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया। और फिर मैं हमारे संयुक्त मंडल की महिलाएं, जिसने हमेशा हमेशा हमारा सहयोग देकर हमें आगे लाने की कोशिश की है। यह सामायिक मंडल 30 साल पुराना है। यह मंडल में हम स्नातर पूजा बनाते हैं। यह मंडल में 75 बहनें हैं। थाने में जो भी प्रोग्राम होते हैं हम सब उसमें भाग लेते हैं। यह शनिवार का सामायिक मंडल है। हमारी थाना नगर के मुनि सुवत की छत्र छाया में श्री राजस्थानी पार्षद महिला मंडल का 1989 में स्थापना हुई है। हमारा मंडल पार्श्व महिला मंडल हर कार्य में हमेशा तत्पर रहता है, जैसे पूजा मंडल में, पुरस्कारी में, किसी की जीव दया में, कोई काम में पीछे नहीं है। और जहाँ भी मंदिरों के हर कार्यक्रम में तन मन धन से हमेशा तत्पर रहता है। और हमें भगवान का आशीर्वाद है कि हम आगे बढ़ते रहिए। हमें आव जोरे ठाणा नगर ना द्वारे मारा पार्श्वर प्रभु ना द्वारे लख जो का गड़ियो। तो आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा। अरे उत्सव है ये सदियों का, वागे चे टोल वागे चे मारा पारस नाथ मारा पारस नाथ दरबारे ढोल वागे चे ढोल वागे चे रूड़ा आव्या प्रतिष्ठान प्रसंग रूड़ा आव्या प्रतिष्ठान परग मारा पारस नाथ दरबारे ढोल वागे चे मारा मुनि सुव्रत दरबारे ढोल वागे चे ढोल वागे चे। हमारा ये मंडल करीब करीब 40 साल से काम कर रहा है और भगवान की मेहर से हम जब भी देखो तभी भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर हमारा मंडल में बहनें इतनी अच्छी है कि वो कभी भी कोई भी कार्य के लिए रात दिन के लिए तैयारी रहती है। और भगवान की भक्ति करने के लिए तो कभी भी अपना घर का काम छोड़ के आना है तो आ सकती है। ये वर्जूबाई के हाथ का मांडा हुआ मंडल है। हमारे मंडल का नाम है शांतिनाथ सेवा महिला मंडल। ये ट्रस्ट मंडल हम जब चाहे तब इसे मांग करते हैं, हमको जल्दी से आपको सहायता भी सहकार भी देते हैं। हमारा मंडल नु नाम है श्री बागड़ कलापूर्ण महिला मंडल, जे कलापूर्ण सुरेश्वर जी ने मारा साहेब ने अमरा पर खूब खूब आशीर्वाद है। अमरा मंडल की स्थापना दीनमणि श्रीजी मारा साहेब ने निश्रा में थी थी और अँ प्रमुख बाबूलाल जी भिकमचंद जी नाणावटी और बाबूलाल जी घड़ियाली एमना नेजा हेठ अमरा मंडल की स्थापना 30 वर्ष पूर्व थी।
આપણા આંગણે શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થવાની છે અને એ પ્રતિષ્ઠામાં અમારું શ્રી વાગડ કલાપૂર્ણ મહિલા મંડળ સાધુ સાધ્વીજીની વ્યાવચ કરવાનું છે. શ્રી રાજસ્થાન મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ થાના કે આજ્ઞાનુવર્તી સે હમારા આત્મવલ્લભ મહિલા મંડળ 5 સાલ સે સેવા ઓર એક્ટિવિટી કા સહયોગ દેતે હે. વૃદ્ધિ કે રાહ પર ચલને વાલે સભી શમન ભગવાન ઓર શબની ભગવંતો કો હમારા વંદન હૈ. વ્યાવચ કરને સે આદિ વાદિ ઓર ઉપાધિ કા નાશ હોતા હૈ. ठाणे जैन संघ के ट्रस्ट मंडल को हमारी खूब खूब अनुमोदना जो उन्होंने हमें इतना साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे. ना देखा गज ना देखा समुदाय देखा तो वीर का वेश. श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान श्री आदिनाथ भगवान श्री महावीर स्वामी अधिष्ठायक देव नाकोड़ा भैरव जी गुरु बल्लभ सुरेश्वर जी इन सब की प्रतिमाएं अंजन सलाहकार रत्नाकर सूरी जी के हाथों हुई. पिछले 25 साल से श्री थाना जैन संघ में विराजमान है. वर्तमान ट्रस्ट मंडल और थाना जैन संघ ने निर्णय लिया कि यहाँ ही मंदिर बनावे और यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य संपन्न हुआ. कार्य होने से ट्रस्ट मंडल के हम सब परिवार खूब खूब ट्रस्ट मंडल और श्री संघ का आभारी है. श्री मुनीश्वरत स्वामी जैन युवा पाठशाला जब ये पाठशाला शुरुआत हुई थी बहुत कम संख्या में युवा उसमें जुड़े थे, परंतु यह पाठशाला अब एक वृक्ष का रूप धारण ले चुकी है. मैं श्री राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ में श्री ऋषभदेव महाराज जैन धर्म एंड ज्ञाति ट्रस्ट की ओर से इन सभी युवाओं की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ. श्री राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ द्वारा संचालित श्री मुनीश्वर स्वामी जैन पाठशाला ऐसे तो पिछले 65 वर्षों से चल रही है, लेकिन युवा पाठशाला पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रही है. बहुत ही कम संख्या में थे, अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें 75 वर्ष तक के युवा जो बुजुर्ग नहीं है लेकिन युवा है जो आते हैं और पंच प्रतिक्रमण 2 प्रतिक्रमण तक पूरे कर चुके हैं. ज्ञान और संस्कार की दाता है हमारी पाठशाला. हमारी पाठशाला में से कई सारे मुनि भगवंत बने हैं जिससे पाठशाला हमारे मुनि भगवंतों की जननी है. पूरा का पूरा ट्रस्ट मंडल हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है. इस युवा पाठशाला के माध्यम से मैं ठाणा के सभी युवाओं को जो इस पाठशाला से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठशाला से जुड़े और ज्ञान और ध्यान में रुचि रखते हुए धर्म की ओर आगे बढ़े. पोरवाल जैन ग्रुप का हमारा नाम बदली करके पार्श्वनाथ जैन ग्रुप रखा है, क्योंकि ना पोरवाल मुझे कहना ना ओसवाल मुझे कहना, मैं जैन हूँ मेरी पहचान है, हम महावीर की संतान है. हम पार्श्वनाथ जैन ग्रुप द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य एवं मंदिर से जुड़े हुए सभी कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं. पहले भी हम बहुत सारे कार्य करते आ रहे हैं, परंतु आज हमारे श्री संघ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में श्री अंजन सलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव का एक अनमोल पल हमारे पास आया है, अनमोल वक्त हमारे पास आया है. हम दिन रात एक करके भी हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अंजन सलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव ने सभी दिल से काम करेंगे, यही हम भावना रखते हैं. थाना में वर्तमान में जो अनुपम अवसर अंजन शाला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव आया है उसमें हमारा पार्श्व जैन ग्रुप पूरा सहयोग करेंगे. श्री आदिनाथ जैन ग्रुप अ पार्ट ऑफ अलर्ट यंग ग्रुप ऑफ इंडिया पिछले 25 साल से प्रभु भक्ति प्रभु मिलन जीव दया अनुकंपा आदि सतत कार्यों में रत है. हम हर साल भरगोड़े में पालकी उठा के भगवान की भक्ति करते हैं. जब हम यहाँ हॉल में जमा होते तभी वरगोड़े में आए हुए सभी बच्चों को हम महावीर स्वामी भगवान के बर्थडे के निमित्त गिफ्ट वितरण करते हैं. अनुकंपा रात्रि भावना दर रविवार को हमारी नित्य कायम है. गुरु वल्लभ भक्त मंडल की स्थापना कक्षाधिपति नित्यानंद सूरी जी के हस्ते हुई है. कार्य अध्यक्ष मोक्षानंद जी के कर्म कलमों से हम उनकी बताए हुए सभी प्रकार के रास्ते पे चल रहे हैं. हमारा मंडल जो है गुरु वल्लभ भक्त मंडल जो निरंतर ये थाना संघ में साथ मिलके काम कर रहा है और हमें ट्रस्ट मंडल का पूरा सहयोग है जो हमें निरंतर मिलता रहता है. जो कोरोना काल हो कुछ भी हो उसमें हमने पूरा सहयोग के साथ में उनके मिलके आगे काम किया है. गुरु वल्लभ भक्त मंडल में 124 सदस्य है और 124 सदस्य में से 70-80 सदस्य हमारे
ढोल मैनेजमेंट भी संभालते हैं और दूसरा मैनेजमेंट आता है कुछ भी संघ वगैरह वो भी पूरा सुचारू रूप से देखते हैं। हमारे पुनरी ढोल का भी स्थापना आज कितने सालों से बरोबर उनकी व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे मंडल की स्थापना का सपना हमने जम्मू में देखा था, वहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास था। यहाँ पर आने के बाद में चातुर्मास के दरमियान गुरुदेव ने इस मंडल की स्थापना अपने वरदहस्तों से की थी। अभी तक सम्मे शिखर का स्पेशल ट्रेन से लेकर उपध्यान वर्षी तप सब जगह पे हमारे मंडल ने दिन रात एक करके सेवा दी है। विजय वल्लभ इसका हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। ओ दर्शन भाई, ओ सुनील भाई, ओ राकेश भाई, राजेश भाई, सुनो सुनो थाना निवासियों, हमारे थाना कोकण शत्रुंजय तीर्थ में एक बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की अंजन शला का प्रतिष्ठा महोत्सव, और इससे जुड़ने जा रहा है हमारा श्री अभिनंदन जैन मंडल थाने। श्री अभिनंदन जैन मंडल थाने स्थापना 1982, और जब से यह मंडल स्थापित हुआ तब से इसने बीड़ा उठाया श्री संघ में सेवा और बैंड पार्टी का। हमने 23-27 वर्षों से विद्यार्थी गौरव पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिसमें हम प्रत्येक कक्षा के टॉप 3 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर, गिफ्ट देकर पूरे जैन सकल संघ के सामने उनको प्रोत्साहन करते थे ताकि वो और उच्चांक प्राप्त कर सके। अभिनंदन मंडल काफी वर्षों से यात्रा प्रवास लेके जाता है। ये तो एक झांकी है, बाकी मंडल कई चीजों में सामाजिक कामों में आगे रहता है। पुष्प वितरण रहे परवाधिराज पर्यूषण के दौरान, और अन्य कई गतिविधियां जो सामाजिक से रहे, मेडिकल से रहे, शिक्षा के क्षेत्र से रहे, ऐसे सभी गतिविधियों से हमारा मंडल जुड़ा रहता है। ये एक फिल्म बनने जा रही है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यह फिल्म नहीं, ये हमारे श्री संघ का इतिहास है, हमारे जिन मंदिर का यह इतिहास है, जिसे आने वाले समय में एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा, हमारी गतिविधियां जानी जाएगी। बोलिए श्री शंखेश्वर भगवान की जय, मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय, बोलिए जिनसाशन देव की जय, बोलिए जिनसाशन देव की जय, बोलिए समस्त ट्रस्ट मंडल की जय, जय बोलो महावीर की, जिनसाशन के सितारे हैं, वल्लभ गुरु हमारे हैं। गाजे रे गाजे, बिरजे रे गाजे, ए बिरने शासन गाजे, ए गाजे रे गाजे, ए बिरनु शासन गाजे, बोलिए जिन शासन देव की जय। जय नाम जयति शासनम, जय नाम चंदन वीर की, जय बोलो महावीर की। कोई लाल 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 रूड़ा मांडवड़ा बंदा, कोई लीली पीड़ी भात ना चंदरवा बंदा, आज अवसर आव्यो प्रतिष्ठानो, जय हो विजय हो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, जय हो। जय नाम जयति, जय नाम जयति, बोलो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की जय। जय जय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ, जय जय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय, बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय। गरज गरज के ढोल बाजे, गरज गरज के ढोल बाजे, ताशे और मंजीरा बाजे, ताशे और मंजीरा बाजे, रोम रोम ये खुल के नाचे, ठाणा में है स्वर्ग साजे, ठाणा में है स्वर्ग साजे, जन जन में है भाव जागे, रग रग में है जोश जागे, बच्चों बूढ़ों के संग सबके रे आत्म है जागे, सबके रे आत्म है जागे, तो आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, अरे उत्सव है ये सदियों का, पधारो ठाणा नगर सा, आओ मारे भाई सा पधारो ठाणा नगर सा, अवसर है ये शासन का पधारो।